हेलो फ्रेंड्स, शेंगी किचन में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी वेजी बर्गर, जो बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। तो आप इस डिलीशियस से बर्गर को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1/4 कप हम फ्रोज़न मटर लेंगे और मटर को हम पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम 1/3 कप पोहा लेंगे और पोहे को हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फ्रेंड्स, हम नीचे वाला पानी तो हटा देंगे और पोहे को छलने में हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने फ्रेंड्स 2 घंटे पहले उबालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी हम आलू को मोटे होल की तरफ से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को हाथ से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। आलू मैश होने के बाद अभी पोहे को भी 5 मिनट हो गए हैं और पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी हम पोहे को एक प्लेट में डाल लेंगे और हाथ के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी हम वेज टिक्की बनाएंगे, तो उसके लिए एक फ्राई पैन लिया है। उसके अंदर 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन की ली थी, इसको बारीक कट कर लिया है। और आधा प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे। दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। जब प्याज और लहसुन हल्के पिंक कलर के हो जाए, तब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। लो फ्लेम पर सब मसालों को हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। 1/3 कप बारीक कटी हुई गाजर और 1/4 कप इसमें हम मटर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए ही सब्जियों को पकाएंगे। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इन्हें क्रंची रखना है। तीन से चार मिनट में सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अभी हम आलू मैशर लेंगे, उससे हम सब्जियों को हल्का सा मैश कर लेंगे। जब सब्जियां हल्की सी मैश हो जाए, तब हम इसके अंदर ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आलू अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हम इसके अंदर हाथ से मैश किया हुआ पोहा डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। दोबारा से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए एक प्लेट पे निकाल लेते हैं, जब तक वो रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। अभी फ्रेंड्स, हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। उसके लिए एक ग्राइंडर जार में 4 से 5 ब्रेड तोड़कर डाल देंगे। ब्रेड को हम बारीक पीस लेंगे, देखिए आप ऐसे। घर पर ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है। अभी हम ब्रेड क्रम्स को एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हम फ्रेंड्स एक गोल तैयार करेंगे। उसके लिए एक बर्तन में 1/2 कप मैदा लेंगे, 1/4 कप अरारोट। यदि आपके पास मैदा ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। अभी हम इसके अंदर धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमें मीडियम घोल तैयार करना है। ये घोल ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जब स्टफिंग ठंडी हो जाए, तब हम इसे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, कि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। स्टफिंग ठंडी हो गई है। अभी हम टिक्की बनाएंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और दोनों हाथों से उसे दबा दबा कर ऐसे गोल कर लेंगे। फिर दोनों हथेलियों से इसे हम दबाएंगे ऐसे।
और नीचे प्लेटफॉर्म पर रखकर इसे हम अच्छे से टिक्की की शेप देंगे। टिक्की बनने के बाद अभी हम इसके साइज़ को चेक करेंगे। अभी एक बन लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे। देखिए आप, जो टिक्की का साइज़ है वह बन से थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। अभी हम टिक्की को घोल के अंदर डालेंगे और चम्मच की सहायता से चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। टिक्की को आराम से निकालेंगे और ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स को चारों तरफ अच्छे से लगाएंगे। और देखिए आप, वेज टिक्की बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तेल भी मीडियम गर्म हो गया है और फ्लेम को भी मैंने मीडियम कर लिया है। अभी हम टिक्की डालेंगे। तो पहले मैं दो टिक्की फ्राई कर रही हूँ। एक चम्मच की सहायता से हम ऊपर की तरफ भी हम इसमें तेल डाल देंगे। और टिक्की को ऐसे हम पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और देखिए आप, कितना बढ़िया कलर आया है टिक्की का। टिक्की को भी निकाल लेते हैं। दोबारा से एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर एक चम्मच तेल डालेंगे। अभी हम बन को भी हल्का सा सेक लेते हैं, ऊपर से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। और देखिए, बन भी सिक चुके हैं। अभी सब चीज़ें तैयार है। अभी हम सब चीज़ों को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम बन का नीचे वाला पीस लेंगे और इसके ऊपर हम टमाटर सॉस चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अभी हम इसके ऊपर टमाटर रखेंगे, फिर हम इसके ऊपर खीरा रखेंगे। अभी हम टिक्की रखेंगे और उसके ऊपर हम प्याज रख देंगे। अभी हम बन का ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और उसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल और डिलीशियस बर्गर बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार फ्रेंड्स जरूर ट्राई करके देखिएगा। यदि आपने एक बार इस बर्गर को बनाकर खा लिया तो आप मार्केट से कभी भी बर्गर खरीद के नहीं लाएंगे, हमेशा घर पर ही बनाकर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।